बुखार है? अच्छा, आपको नहीं है, पर हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को हो। चलिए मान लिया आपकी फैमिली में भी किसी को नहीं है, पर यह भी तो जरूरी नहीं कि आप जहां भी हो और आपसे मिलने आने वाले या जहां आप हो उसमें किसी को बुखार या बुखार से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि कोरोना। पर बात यहां बुखार या कोरोना की बाद में होगी, आज यहां बात होगी बुखार या किसी भी वस्तु या मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर को मापने वाली मशीन की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं थर्मोमीटर की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रिंकू चौधरी और आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जो आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस खास प्रोग्राम को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है। हम सभी ये जान चुके हैं, कोरोना आज हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फैल चुका है। यहां तक कि अगर हम यूं कहें कि कोरोना काल चल रहा है तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना की टेस्टिंग में सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के सर पर बंदूक की तरह दिखने वाली मशीन पेशेंट के माथे पर लगा देते हैं। हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि वो सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मापने की एक डिवाइस है, जिससे सिर्फ ये पता चलता है कि हमारे शरीर की गर्माहट कितनी है। ये टेस्टिंग की प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है। आज हम उसी मशीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने बचपन से लेकर और लगभग अब तक एक कांच से बनी थर्मोमीटर देखते हुए आए हैं, जिसे हम मर्क्यूरिक एनलोग थर्मोमीटर कहते हैं, जिसे हम मुंह के अंदर, जीभ के नीचे या अपने हाथ के बगल में दबा के रखते हैं। उसके बाद हम लोगों के बीच आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जिससे हम ठीक पुराने थर्मोमीटर की तरह ही यूज करते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कल पुराने वाले एनालॉग थर्मोमीटर में हम पारे को ऊपर नीचे जाते हुए देखते थे और इस नए डिजिटल थर्मोमीटर में हमें पारे की जगह पर नंबर्स दिखते हैं। पर उनका प्रयोग काफी हद तक असुरक्षित रहा था, क्योंकि एक ही थर्मोमीटर हम एक से अधिक लोगों पर इस्तेमाल करते थे, जो किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं था। पर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं पेपे नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो कम से कम 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की दूरी से बिना शरीर से स्पर्श किए सिर्फ माथे पर दूर से ही लगाकर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जान सकेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, जो मशीन आप अब तक सिर्फ देखते या सुनते आए, वो आज आपके घर, ऑफिस, दुकान तक आ सकती है, आपकी हो सकती है। और वो है पेपे डिजिटल नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जिसे बनाया है 15 ईयर्स ओल्ड कंपनी एसओजी टेलीशॉपिंग ने, जिसमें है तेबेन इंफ्रारेड लेंस, जिसे आप ना सिर्फ अपने बॉडी बल्कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद किफायती और कम दामों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना पेपे डिजिटल नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो चलती है 1.5 वोल्ट की नॉर्मल बैटरी से। इसे आप अपनी दुकान, मकान, अस्पताल, क्लिनिक, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च तक में, यहां तक कि अपने फैक्ट्री, प्लांट, वर्कशॉप या किसी भी ऐसी जगह है जहां लोगों का आना जाना होता है, वहां बिना किसी को टच किए, बिना उसकी बॉडी से कॉन्टैक्ट में आए, सिर्फ 1 सेकंड में ये पता कर सकते हैं कि जो भी सज्जन आपके पास आए हैं कोरोना लाए हैं या खुद अकेले आए हैं, यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य यानी 98 से अधिक है या नहीं, या उससे अधिक है। बात अगर कीमत की करें तो पेपे डिजिटल नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर आपको बाकी अन्य आईटी से कहीं किफायती सिर्फ और सिर्फ 4870 रुपए में उपलब्ध है, जिसकी मार्केट में कीमत 9000 है। पर यहां आपको मिलेगी बेस्ट डील सिर्फ और सिर्फ पेपे डिजिटल नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर के साथ। तो देर किस बात की, आज ही ऑर्डर करें या घर ले आएं पेपे डिजिटल नॉन कॉन्टेक्टेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। कोरोना हारेगा, जीतेगा देश। इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो बताएगा आपका बॉडी टेम्परेचर, वो भी बिना आपको छुए।